अजमेर के माखुपुरा स्थित नसीराबाद रोड पर नकाबपोश बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया। 5 नकाबपोश बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम को काटने की कोशिश की। आरोपी लूट में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन मशीन में आग लग गई। आग से मशीन में रखे करीब 4,59,000 रुपए जलकर खाक हो गए। घटना शनिवार आधी रात की बताई गई है। लुटेरों ने पीएनबी के पास स्थित एसबीआई के एटीएम में सुरक्षा गार्ड सुरेंद्र के नींद की हालत में हाथ पैर बांध दिए और फिर पीएनबी एटीएम के शटर के ताले तोड़कर अंदर घुस गए। बदमाशों में एक ने उस पर देशी कट्टा तानकर डराया और धमकाया। सुबह 4 बजे एटीएम से धुआं उठते देख गश्ती दल ने कंट्रोल रूम को एटीएम में आग लगने की सूचना दी। उस समय यह पता नहीं था कि एटीएम में लूट की गई है। सूचना मिलने पर मौके पर आला अधिकारियों ने जांच की तो गैस कटर से एटीएम काटने का प्रयास का पता चला। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई क्षेत्रों में दबिश दी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। मामला यह है, बीती रात को 2:45 बजे की घटना है। 4-5 लड़के आए अल्टो कार, सीसीटीवी फुटेज में आई है अल्टो कार की, आते और जाते की स्पष्ट फुटेज मिली है। इसके अलावा बैंक वाला केस बता रहे हैं उसमें 4,69,000। इन 4-5 ने मिलकर के यहाँ एटीएम बूथ दो है पास पास में, एक एसबीआई का और एक पंजाब नेशनल बैंक का, पीएनबी का। तो पीएनबी में सुरक्षा गार्ड नहीं है, उसके ये लॉक लगा हुआ था एटीएम में, और एसबीआई में सुरक्षा गार्ड सो रहा था, उसको आते ही दबोच लिया इन्होंने। तो चुपचाप पड़ा रहे, नहीं तो जान के ताले पड़ जाएंगे। इस प्रकार उस एसबीआई बैंक के गार्ड को, सुरक्षा कर्मी को हाथ पैर बांध कर पटक दिया, और एक आदमी खड़ा हो गया उसकी, उसको वहीं रोके रखने के लिए। चारों आदमी घुसे पीएनबी बैंक में, अंदर से साथ में वेल्डिंग मशीन लाई है, वेल्डिंग मशीन से पूरे उसको केस कटर से काटा है उसको, और काटने के दौरान एटीएम में आग लगी तो आग काफ़ी ज़ोरदार लगने के कारण घबरा के भागे और वहाँ से गाड़ी लेके भागे। रात को मौजूद था डीओटी में, तुरंत वहाँ मौके पहुँचा, उसको सूचना ये मिली थी कि एसपी अपने पीएनबी बैंक में आग लगी है, तो वो उसी हिसाब से आया, फायर ब्रिगेड को सूचित किया, कंट्रोल रूम को सूचित किया और मौके पर आया और मेरे को सूचना करी। मैं आया भागा, मैंने उच्च अधिकारियों को और कंट्रोल रूम को सूचना करी, वो मौके में आए सारे, श्रीमान एस्ट्रॉल बता रहे, मैडम भी आई, सारे आए बता रहे। तो कुल मिला के ये रात को 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने योजना में तरीके से केस कटर से एटीएम को काट के और केस ले जाने के प्रयास में थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए और एटीएम मशीन में आग लगने की वजह से वो छोड़ के भाग गए।